हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11 चैप्टर्स स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 3 जो है क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे एज पर द फॉर्मूलाज. ओके, ऑल आर द फॉर्मूला एंड प्रूफ्स, राइट. सो द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स, ओके, इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट. सो द थ्योरम नंबर 5 पे पहुंचे थे हम लोग. तो फर्स्ट, कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, कॉट पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, सेक पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स, एंड कॉस एक्स पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, राइट. तो चलो सबसे पहले बच्चों प्रूफ देखते हैं हम लोग, राइट. तो फर्स्ट ऑफ हियर वी हैव द कॉस पाई प्लस एक्स, राइट. ओके, तो हियर पाई प्लस एक्स, राइट. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पाई प्लस एक्स हियर. सो द फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा, सो कॉस पाई इंटू कॉस एक्स, प्लस है तो माइनस, साइन पाई ओके इंटू साइन एक्स. सो नाउ यू पुट हियर कॉस पाई माइनस वन इंटू कॉस एक्स, साइन पाई साइन ऑल एन पाई जीरो इंटू साइन एक्स. सो वी गॉट हियर द माइनस कॉस एक्स, अंडरस्टैंड बच्चों. तो ये आपने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, फर्स्ट जो है उसको आपने प्रूव कर दिया, राइट. ओके, चलो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया. सो नाउ हियर नंबर टू, राइट. सो नंबर टू दैट मीन्स हियर साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स क्या है, तो चलो मैं यहां पे बनाऊंगा कि साइन पाई है तो ऐसा लिख सकता हूं पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू प्लस एक्स, राइट. ओके, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, इसको मैं ब्रैकेट ले लेता हूं. तो देखो साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कितना होता है, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू प्लस एक्स, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन, सॉरी सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, एंड पाई बाय टू इज द फंक्शन चेंज. अब कॉस पाई बाय टू तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, बट कॉस है पाई बाय टू प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो हियर माइनस साइन एक्स, राइट. नाउ थर्ड, चलो क्या आएगा, टेन पाई प्लस एक्स, राइट. क्या है, टेन पाई प्लस एक्स, तो टेन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई प्लस एक्स अपॉन कॉस पाई प्लस एक्स, अंडरस्टैंड. बट साइन पाई प्लस एक्स तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है, क्या है बच्चों, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस पाई प्लस एक्स, दैट मीन्स द ओके माइनस कॉस एक्स, सो माइनस माइनस प्लस, so you got 10x, right. similarly fourth one, cot pi plus x, क्या है pi plus x, तो क्या आएगा pi plus x, so you put here cot है, cot है तो उसका मतलब क्या होगा, cos pi plus x upon sin pi plus x, चलो clear. but cos pi plus x देखो, first cos pi plus x क्या आया था, माइनस कॉस एक्स, राइट. ठीक उसी तरह साइन पाई प्लस एक्स क्या आया था, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, कॉस अपॉन साइन को क्या कहा जाता है, कॉट, तो आपने यहां पे लिख दिया कॉट एक्स, तो वी गॉट द रिजल्ट कॉट पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स. फिफ्थ वन, चलो क्या है यहाँ पे बच्चों फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन देखो यहाँ पे सेक लिखा है, तो सेक पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो sec मतलब 1 अपॉन cos, सो cos pi plus x, राइट. बट cos pi plus x क्या है, यस, तो यहां पे 1 अपॉन माइनस cos x, बट cos x को क्या कहा जाता है, sec x, तो u इज इक्वल टू माइनस sec x, सो रिजल्ट sec plus pi plus x, sec pi plus x इज इक्वल टू माइनस sec x, राइट. सिक्स वन, चलो क्या है, तो कि cos x pi plus x, तो cos x means 1 upon sin x, so here 1 upon sin pi plus x,
सो वन अपॉन, पहले तो वन अपॉन साइन पाई प्लस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स था, सो वी गॉट इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस, सो माइनस कॉस एक्स, राइट। सो सी हियर पाई प्लस एक्स विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। ओके, इन थर्ड क्वाड्रेंट विच आर पॉजिटिव, टेन एंड क्वाट इज पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, सो हियर द टेन एंड क्वाट पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, देन ओके। पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज, राइट। सो द पाई है तो फंक्शन, कॉस कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक एंड कॉस सेक, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द थर्ड क्वार्टर। तो आपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि कौन से क्वार्टर में ऑल स्टी फॉर्म आता है, राइट। और पाई बाय टू का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज चेंज होता है, और पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। क्लियर बच्चों? ओके चलो, कॉपी दैट फॉर दिस थियरम। चलो बच्चों, सिक्स थ्योरम में देखो क्या दिया है हमें। यहाँ पे कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्या है 2 पाई, ओके, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो चलो एक बार प्रूफ से फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलो फर्स्ट क्या है हमारे पास, सो कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 2 पाई, राइट, इंटू कॉस एक्स माइनस है तो प्लस साइन 2 पाई इंटू साइन एक्स, राइट। ओके नाउ कॉस 2 पाई तो आप जानते हो ना, ए 2 पाई, ए वाला पॉइंट वापस ए, तो ए तो 1 0 है, 1 0 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, इंटू कॉस एक्स, पहले बताया साइन एनी पाई 0, तो 0 इंटू क्या हो गया साइन एक्स, राइट, ये तो 0 हो गया, यू गॉट कॉस एक्स। तो आपने फर्स्ट रिजल्ट ला दिया, अंडरस्टैंड। ओके, तो कॉस एक्स आपको मिल गया, कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्लियर। नाउ टू क्या दिया हमें, साइन 2 पाई माइनस एक्स। चलो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर भी हम लोग 2 पाई के टुकड़े कर देंगे। तो चलो सबसे पहले क्या आया, साइन पाई प्लस पाई माइनस एक्स, चलो क्लियर। क्या करें, 2 पाई डेट मीन्स पाई प्लस पाई, इसका मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब पूरे इसको थीटा समझ लो, एक्स समझ लो पूरा, तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन पाई प्लस एक्स अपने आगे के थियरम में देख लिया, राइट। तो बच्चों साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स कौन है पूरा, पाई पाई एक्स। अब फिर से साइन ए प्लस था, अब ए माइनस, तो साइन पाई माइनस एक्स तो क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बट आगे माइनस साइन है, सो वी गॉट माइनस, अंडरस्टैंड। ओके चलो थर्ड, वी हैव द थर्ड टेन 2 पाई माइनस एक्स, तो टेन की फॉर्मूला क्या है, साइन 2 पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस 2 पाई माइनस एक्स, चलो क्लियर। साइन 2 पाई माइनस एक्स अभी आपने ढूंढा कितना है, माइनस साइन एक्स है, तो वैसे कॉस 2 पाई माइनस एक्स कितना है, तो कॉस एक्स है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस को क्या कहा जाता है, टेन एक्स, सो माइनस टेन एक्स वी गॉट, राइट। फोर्थ, चलो फोर्थ में कॉट 2 पाई माइनस एक्स, तो कॉट की फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन, सो कॉस या 1/10 भी लिख सकते हो आप, तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स अपॉन साइन 2 पाई माइनस एक्स, चलो तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स पक्का फ्रॉम फर्स्ट कॉस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स साइन फ्रॉम सेकंड रिजल्ट माइनस साइन एक्स, कॉस अपॉन साइन को क्या कहा जाता है, कॉट एक्स कहा जाता है, राइट। तो आगे कौन सी साइन प्लस है और एक माइनस है तो माइनस, चलो क्लियर। फिफ्थ वन, फिफ्थ है हमारे पास, ओके तो चलो फिफ्थ क्या है, सेक 2 पाई माइनस एक्स,
तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस 2 पाई माइनस एक्स, राइट। सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस फ्रॉम वन, तो वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस को क्या कहा जाता है, सेक एक्स कहा जाता है, राइट। नाउ 6 1 यहाँ पे कॉस एक 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, कॉस एक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, तो वन अपॉन साइन को क्या कहा जाता है, कॉस एक एक्स। यस बच्चों, तो माइनस क्या हो गया, कॉस एक एक्स। चलो क्लियर आ गया समझ में इतना। तो देखो 2 पाई माइनस एक्स, तो ये रहा आपका यूनिट सर्कल, राइट। ये 2 पाई वापिस, मतलब यहाँ पे 2 पाई आता है 0 के बाद, तो 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। 2 पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज, पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस बट पॉजिटिव, साइन है तो नेगेटिव है, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव एंड कॉस एक नेगेटिव। ओके, तो हर एक क्वाड्रेंट में आपने ये जो 6 थियरम पढ़े, ओके, अलग अलग, तो इसमें से क्वाड्रेंट और फंक्शन कब चेंज होता है वो डिफाइन हो गया। ओके, अब थोड़ा इसको कॉपी कर लो। ओके, अब देखते हैं कि पूरी समरी क्या हुई, जो आपने अभी तक 6 के 6 थ्योरम्स देखे उसी बेस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ओके, चलो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, समरी करते हैं। चलो सबसे पहले मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो फंक्शन में अभी याद रखूँगा साइन, ओके, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी कॉस, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी टेन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइनस एक्स से, उसके बाद आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, उसके बाद पाई बाय 2 प्लस एक्स, और लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पाई बाय 2 प्लस एक्स, फिर पाई माइनस एक्स, उसके बाद पाई प्लस एक्स, चलो आगे फिर पाई प्लस एक्स, ओके, 3 पाई बाई 2 एक्स एंड 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। चलो अब आपने जो सीखा अभी तक वो अभी आप बताओ, राइट। हमारे पास 3 पाई बाई 2 तक है, ओके बच्चों। चलो क्या करेंगे, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, राइट। चलो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव कॉस एक्स हो जाता है, और 10 माइनस एक्स क्या होता है, -10x होता है। पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 है तो फंक्शन चेंज, पाई बाई 2 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या लिखोगे, साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, साइन, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस अपॉन साइन वैसे भी नॉर्मली, ओके, इधर क्या हो जाएगा कॉस, तो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट एक्स आ गया। पाई बाई 2 प्लस एक्स विच क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन वाला पॉजिटिव, पाई बाय टू है तो फंक्शन चेंज, तो इधर क्या जाएगा कॉस एक्स, फिर कॉस है तो माइनस साइन एक्स, और इधर टेन है तो माइनस कॉट एक्स। चलो क्लियर आ गया समझ में। पाई माइनस एक्स, अगेन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट इधर साइन और कॉसेक के अलावा सारे नेगेटिव, तो पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज, तो साइन एक्स इधर, फिर कॉस का तो कॉस एक्स बट नेगेटिव, सो साइन अपन कॉस माइनस टेन एक्स, पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज, राइट। तो जो आपने अलग अलग क्वाड्रेंट वाइज वैल्यूज और थियरम्स प्रूव की, इसका एक शॉर्ट समरी है, राइट। चलो साइन पाई पाई प्लस एक्स, विच क्वाड्रेंट, पाई प्लस एक्स थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। चलो कॉस एक्स बट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है इसकी वजह, बट टेन क्या है पॉजिटिव। चलो क्लियर। सिमिलरली थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट सेम, बट पाई बाय टू है तो फक्स क्या होगा चेंज, सो नेगेटिव। यहाँ पे कॉस का साइन, क्योंकि थ्री पाई बाय टू है, बट साइन नेगेटिव, ओके। यहाँ पे टेन का क्या हो जाएगा, पाई बाय टू है तो फंक्शन चेंज बट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट तो ऑल एस टी सी। सो थ्री पाई बाय टू प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई बाय टू है तो फंक्शन चेंज, राइट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, साइन का तो कॉस एक्स हो गया, बट पाई बाय टू फोर, तो साइन क्या है नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा साइन एक्स बट पॉजिटिव, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इधर भी क्या आ गया, ओके टेन, तो टेन का क्या हो जाएगा कॉट, पाई बाय टू है तो बट माइनस। चलो क्लियर, ओके। तो ये आपका एक शॉर्ट समरी था। दूसरा एक रिमार्केबल चीज़ आपको याद रखनी चाहिए बराबर, वो कौन सी है, तो रिमार्क के अंदर आप करोगे यहाँ पे, कभी कभी काम में नॉर्मली आ जाता है, तो ये आपको नॉर्मली याद रखना है। क्या याद रखना है, तो के द और टी रेशियो, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट ऑफ द, तो द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बराबर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर क्या है, टू पाई माइनस एक्स एंड राइट टू एन पाई माइनस एक्स, किसके लिए, टी रेशियो फॉर टू पाई माइनस एक्स एंड टू पाई माइनस टू एन पाई माइनस एक्स, राइट। आर दी सेम हैज, ओके, किसकी बात हो रही है, सेम हैज, ओके दोज वैल्यू, ओके दोज फॉर माइनस एक्स, ओके बच्चों सेकंडली यही करना है, सो द टी रेशियो फॉर टू पाई प्लस एक्स एंड टू एन पाई प्लस एक्स आर द सेम, राइट, हैज आर द सेम हैज दोज, यहाँ पे क्या था दोज फॉर प्लस एक्स, किसके लिए होता है दोज फॉर प्लस एक्स, राइट। तो ये फंक्शन आपको यहीं से मिल जाएगा कि टी रेशियो सर टू पाई माइनस एक्स एंड टू एन पाई माइनस एक्स आर ऑलवेज सेम हैज फॉर द दोज, ओके वो सेम रहता है फॉर माइनस एक्स के लिए, राइट, और बाकी जो दो है वो दोज आर फॉर एक्स। चलो क्लियर, ए रेशियो टू एन माइनस की बात है, क्लियर। सो कॉपी दैट, ए सिंपल रिमार्क है बराबर, इज वेरी इजी टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, कॉपी दैट। थ्योरम नंबर सेवन, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इज अ वन काइंड ऑफ द फॉर्मूलाज, राइट। अब जो थियरम से वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप क्या कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो यहाँ पे, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट, एंड साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, अंडरस्टैंड, ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट प्रूफ ऑफ द फर्स्ट, हियर द वी हैव द साइन एक्स प्लस वाई, हमें लाना है नॉर्मली द फॉर्मूलाज है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। चलो क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, और कुछ नहीं हो सकता, तो कॉस की फॉर्मूला हम लोग नोन है, तो साइन को मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो गया,
90 मतलब क्या हुआ है पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई। चलो क्लियर। सो आप यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करोगे इनटू पाई बाय टू माइनस एक्स, इसको मैं करके स्प्लिट कर दिया माइनस क्या आ गया वाई, तो साइन एक्स हो गया साइन वाई। तो कौन सी फॉर्मूला कॉस की, कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस है तो प्लस साइन एक्स साइन वाई, राइट। ओके तो इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या करोगे कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस है तो प्लस साइन पाई बाय टू राइट माइनस एक्स एंड इंटू साइन वाई। चलो क्लियर। अब क्या करेंगे कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा फॉर्मूला है साइन थीटा राइट, तो आपने यहाँ पे नॉर्मली क्या कर दिया साइन एक्स, यहाँ पे कॉस वाई एज इट इज प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स फॉर्मूला है साइन पाई बाय टू मतलब कॉस, तो कॉस एक्स और इंटू साइन वाई एज इट इज। ओके तो आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। सेकेंडली अब प्रूव करते हैं ये फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर मतलब रिजल्ट वन कह दो, ये आपका रिजल्ट वन हो गया। नाउ इन टू, तो टू लाना है तो बहुत आसान है, क्यों तो सबसे पहले ओके रिप्लेसिंग वाई ओके बाय माइनस वाई इन रिजल्ट वन राइट, वी गेट रिजल्ट वन। सो वी गेट यहाँ पे सबसे पहले भाई क्या आएगा वी गेट, सो फर्स्ट रिजल्ट आपका साइन ए वाला एक्स प्लस वाई की जगह पे माइनस वाई कर रहे हो इज इक्वल टू क्या करोगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई की जगह पे माइनस वाई प्लस कॉस एक्स एक्स इट इज इंटू साइन वाई की जगह पे माइनस वाई। ओके हाल ही में आपने ये प्रूव कर दिया है, तो हियर द साइन क्या हो गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज कॉस माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो इधर तो क्या आ गया मतलब वाई है तो कॉस वाई प्लस यहाँ पे तो कॉस एक्स बट साइन माइनस वाई क्या होता है माइनस साइन वाई, तो इधर क्या हो गया माइनस। ओके तो हैंस द प्रूफ ये सेकंड रिजल्ट आपका आ गया, तो बहुत आसान है क्योंकि सब में भी आपको हेल्प करेगा। ओके इसीलिए ऐसे तरीके से एक बार प्रूफ देख लो ओके तो बहुत बेनिफिट रहता है फिर आइडियाज़ लाने के लिए सम के अंदर इसी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर। चलो बच्चों अब हम लोग थियरम नंबर एट करेंगे यहाँ पे, तो सेवन को कॉपी कर लो। चलो बच्चों थियरम नंबर एट के अंदर इफ द वन ऑफ द इफ नन ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ द पाई बाय टू देन ए फॉर्मूलाज है रिजल्ट मान लो, तो भी अभी तक साइन कॉस का देखा फॉर्मूलाज अब टेन की बात है। ओके तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। चलो फर्स्ट जो प्रूफ है वो क्या है, तो आप कह सकते हो कि टेन एक्स प्लस वाई राइट, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो टेन एक्स प्लस वाई, तो नॉर्मली क्या है टेन एक्स प्लस वाई, तो टेन की जगह पे क्या लिखते हैं साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, तो साइन कॉस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर। ओके सो नाउ इज इक्वल टू, अब साइन की फॉर्मूलाज क्या थी साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो अभी हाल ही में आपने देखा सो साइन एक्स कॉस वाई बच्चों प्लस क्या था कॉस एक्स एंड साइन वाई राइट, अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला क्या है, तो वी नो दैट कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस है तो माइनस क्या लिखोगे साइन एक्स इंटू साइन वाई। चलो क्लियर। हाँ यहाँ तक तो आ गया, अब रिजल्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ओके तो हम क्या करेंगे डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई राइट, ऊपर नीचे दोनों जगह पे हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से क्या कर रहे हैं ओके डिवाइड कर रहे हैं राइट, तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहले आपके पास है साइन एक्स कॉस वाई अपॉन आप डिवाइड कर रहे हो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आपके पास है कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर रहे हो अपॉन यहाँ पे कॉस एक्स
इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई राइट माइनस वी हैव द साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। चलो क्लियर। तो ऊपर देखो कॉस वाई कट, तो साइन अपॉन कॉस को क्या कहा जाता है टेन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स कट साइन अपॉन कॉस तो उसको क्या कहा था वाई है तो टेन वाई। यहाँ पे तो कॉस वाई कट वन माइनस। अब देखो साइन अपॉन कॉस एक्स एक्स एंगल है तो ये तो क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू साइन अपॉन वाई तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू टेन वाई। सो इट इज़ अवर रिजल्ट। ओके तो ये रिजल्ट क्या था फर्स्ट था। चलो सेकंड में क्या करेंगे एक्स माइनस वाई लाना है बच्चों राइट। तो बहुत आसान है, क्यों आसान है जानते हैं। ओके सो रिप्लेसिंग राइट वाई बाय माइनस वाई इन द रिजल्ट नंबर वन सो वी गेट क्या हो जाएगा टेन प्लस की जगह पे हम लोग माइनस वाई कर रहे हैं ना तो इधर क्या आ जाएगा देखो रिजल्ट के अंदर टेन एक्स प्लस टेन माइनस वाई एक्स की जगह पे वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन माइनस वाई वाई की जगह पे माइनस वाई रिप्लेस कर तो क्या होगा टेन माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन एक्स हाल ही में हमने देख लिया राइट। तो इधर क्या हो जाएगा टेन एक्स बच्चों माइनस ए माइनस साइन आगे आ जाएगी तो यहाँ पे आपको टेन वाई मिल गया अपॉन वन देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया टेन एक्स और इंटू टेन वाई क्यों प्लस हुआ ये माइनस आगे चला गया। क्लियर सो हैंस द प्रूफ अगेन द दिस थियरम। चलो क्लियर ये वाला समझ में आ गया एट वाला थियरम इज़ वेरी इजी इट इज़ ऑल्सो द फॉर्मूला टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई टेन एक्स माइनस वाई टेन एक्स माइनस टेन वाई नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही कॉट की फॉर्मूला लाएंगे। ओके चलो कॉपी कर लो इसको। चलो बच्चों ये हमारा थ्योरम नंबर नाइन है। चलो क्या है इफ द अगेन इफ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ वाई देन कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स प्रूव करना है ठीक वैसे कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स को प्रूव करना है राइट। तो चलो हम लोग शुरुआत फर्स्ट से करते हैं फर्स्ट इज कॉट एक्स प्लस वाई तो कॉट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉस अपॉन साइन तो कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन इधर क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। चलो सो देयरफॉर इज इक्वल टू कॉस की फॉर्मूला बोलो तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस है तो माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन का क्या है तो आप कह सकते हो क्या साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस नहीं प्लस है तो प्लस ही रहेगा यहाँ पे तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई राइट दिस इज द फॉर्मूला। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसको आप डिवाइड करोगे सो डिवाइड बच्चों क्या करेंगे वन लाना है ना। ओके तो साइन एक्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट बाय साइन एक्स एंड इंटू साइन वाई सो वी गेट बच्चों क्या करेंगे तो देखो यहाँ पे आपके पास बचेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई राइट अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हो साइन एक्स इंटू साइन वाई इधर क्या बचेगा वन राइट ना क्या कट हो जाएगा साइन एक्स एंड साइन वाई ओके बच्चों उसके बाद जो नीचे है वो क्या है आपके पास तो क्या साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हो तो क्या साइन एक्स इंटू साइन वाई से माइनस सॉरी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स और इंटू साइन वाई राइट। यहाँ पे देखो कुछ कट हो रहा है फर्स्ट में नहीं तो कॉस अपॉन साइन को क्या कहा जाता है कॉट तो मैंने कॉट एक्स लिख दिया कॉस वाई अपॉन साइन वाई तो अगेन कॉट वाई हो गया
ये माइनस वन हो गया, प्लस यहाँ पे देखो साइन साइन कट हो गया, तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई, तो आप क्या कहते हो उसको, कॉट वाई कहते हो। प्लस यहाँ पे क्या कट हो रहा है, साइन वाई कट, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इधर रेशियो कॉट एक्स, राइट। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, तो कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस। नाउ नंबर टू, तो अगेन सेम थिंग्स थियरी, ओके, रिप्लेसिंग वाई, ओके, बाय माइनस वाई इन योर रिजल्ट वन, राइट। सो वी गेट, क्या है हमारे पास, कॉट प्लस है, तो प्लस की जगह पे क्या कर रहेंगे, माइनस, जहाँ पर भी प्लस मतलब वाई है वहाँ पे माइनस वाई रख दो यहाँ पे, तो आपके पास आ गया कॉट एक्स इंटू कॉट माइनस वाई माइनस वन अपॉन, इधर क्या आ जाएगा, कॉट माइनस वाई प्लस कॉट एक्स। चलो क्लियर, यहाँ पे कॉट माइनस है तो साइन अपन कॉस अपन साइन होता है ना, तो पॉजिटिव, बट साइन तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, तो आपने माइनस क्या कर दिया, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन अपॉन, नीचे क्या आ गया, कॉट वाई माइनस एंड प्लस कॉट एक्स, ऊपर नीचे दोनों में माइनस निकाल दो, आपने माइनस निकाल दिया तो इंटू ब्रैकेट, राइट, तो क्या आ गया, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस है तो प्लस वन अपॉन, माइनस कॉमन निकाल दिया, तो आपके पास जो बचा ना बच्चों वो क्या था, कॉट वाई माइनस क्या हो गया, कॉट एक्स, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, राइट। तो ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, राइट, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद मैंने प्लस कर दिया, सो दिस इज अवर रिजल्ट। चलो क्लियर, कितना आसान है, ऐसे प्रैक्टिस आपको सारे थियरम्स मतलब आप प्रूव कर सकते हो एक बार सीखने के बाद ही। चलो क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर नहीं, चलो तो ठीक। वैसे कोई हम लोग थियरी नंबर 10 ऐसे करें, इट इज़ ऑल्सो द वन काइंड ऑफ द फॉर्मूला, किसकी फॉर्मूला है, तो साइन और कॉस के लिए है रिजल्ट। चलो बच्चों, थियरम नंबर 10, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वी हैव द साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। सेकंड रिजल्ट, कॉट एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स माइनस वाई टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। चलो प्रूव करते हैं, फिर इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर है हमारे लिए। तो प्रूफ वन, चलो फर्स्ट प्रूफ क्या है, सो वी हैव द साइन एक्स प्लस वाई एंड इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये एंगल है याद रखना, फिर साइन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मत लिख देना। सो हियर द फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो उसकी फॉर्मूला थी साइन एक्स इंटू कॉस वाई, राइट, ओके, प्लस कॉस एक्स एंड इंटू साइन वाई इंटू ब्रैकेट सेकंड में साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स और इंटू साइन वाई। चलो क्लियर, क्या कर दिया, फॉर्मूला रख दी। अब ध्यान से देखो, ए फर्स्ट टर्म साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पर भी साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पर भी कॉस साइन वाई, राइट, खाली प्लस माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, राइट, ओके। सिमिलरली ये तो आपने प्रूव कर दिया मतलब यहाँ तक का, उसके बाद क्या करेंगे देखो, यहाँ पे फिर इसकी बारी, माइनस ये सेकंड रह गया ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर वाई, राइट। चलो दोनों हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स दैट मीन्स द वन कॉस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है इंटू साइन स्क्वायर वाई एज इट इज, स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट करने से हमें क्या मिलेगा, तो क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस, ये यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई, राइट, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर वाई। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपने कट कर दिया, तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई कट हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो हैंस द रिजल्ट, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट ऐसे ही आ गया, क्लियर। चलो सेकंड रिजल्ट क्या है हमारा, तो सेकंड रिजल्ट है यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस
ओके एक्स माइनस वाई। चलो यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, तो मुझे बताओ चलो कॉस की फॉर्मूला, तो क्या कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस है तो माइनस क्या करेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई। चलो क्लियर। सेकंड ब्रैकेट के अंदर सिमिलरली कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, राइट। अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी रे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी आ जाएगा, रिजल्ट दिमाग के अंदर क्लियर है। सो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या कर दे, कॉस स्क्वायर वाई की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, और इसकी जगह पे मैं साइन स्क्वायर वाई तो एज इट इज़ रखता हूँ, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर है उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो क्लियर। स्प्लिट करते जाओ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एम आई राइट। चलो क्या कट हो रहा है, दिस टर्म एंड दिस टर्म होल कैंसल, सो रिमेनिंग टर्म आर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। चलो बच्चों क्लियर। तो आपने यहाँ अभी प्लस और मतलब सम एंड डिफरेंस की जितनी भी फॉर्मूलाज साइन कॉस टेन कॉट की है वो सब आपने पढ़ ली। चलो क्लियर, ये समझ में आ गया, हो गया बच्चों। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी हमारा अब जो लेक्चर आएगा उसके अंदर इसी बेस बहुत सारे क्वेश्चंस ओके वो सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जितने भी फॉर्मूलाज आपने प्रिपेयर की है वो सॉल्व हो जाए, उसकी नेट प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे जाएंगे। इससे पहले आपको पूरा डिराइव जितनी भी फॉर्मूलाज है और ज़्यादा है, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। वेस्टिल एंड बाय।